हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरे ब्लॉग में स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मुझे माफ कर देना क्योंकि कल मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। रीज़न ये है कि कल पूरा जो लाइट था, जो बिजली थी, मतलब अप डाउन हो रहा था सुबह से लेकर रात तक। दोस्तों, पूरा बहुत परेशान हो गया हम लोग। और साथ में मेरा जो मोबाइल का जो बैटरी है वो पूरा डाउन हो गया था। तो मुझे प्लीज़ आप पूरा मत सोचना और मुझे प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ मेरे वीडियो को पूरा लंबा करने के लिए, मतलब कंटिन्यू होने के लिए। मतलब ऐसे ही हालात मतलब पैदा हो जाते हैं तो वीडियो मतलब अपलोड करने नहीं हो पाता है। सो ठीक है दोस्तों, अब मैं जाता हूँ स्कूल। हम लोग का बस आने वाली है 15 मिनट में, मतलब 8 बजे के लिए और 15 मिनट है। फटाफट मुझे बस को कैच करना है। ओके दोस्तों, मैं आपसे आने के बाद मिलता हूँ। बी कंटिन्यू। सो गाइज, अभी हम थोड़ा अपना माइंड को रिफ्रेशमेंट करने के लिए हमारे म्यूजिक रूम में बैठे हैं और यहाँ हमारे मल्टी टैलेंटेड टीचर पीतम्बर शर्मा जी और मतलब हमारे स्कूल वाइस प्रिंसिपल हैं और ये हमारे आगमन चूरा है जो हैं छोटे ब्रांच के आर्ट टीचर हैं और मल्टी टैलेंटेड। अभी थोड़ा फ्री टाइम है तो हम थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। मैं भी साथ में दर्शक बना हुआ हूँ, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। मैंने हमारे पीतम्बर शर्मा जी से मतलब हमारे जो वाइस प्रिंसिपल हैं उनसे मैंने थोड़ी फरमाइश की थी गाने के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा से निभाया और म्यूज़िक भी सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो साथ में आगमन चूरा जो हमारा आर्ट टीचर हैं उन्होंने बहुत अच्छा से बजाया बिनाल में। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बजा रहे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, मैं अभी अपने घर पहुंच चुका हूं। फिलहाल लक्ष्मी, सैनिटाइजर क्या, तो क्या कर रहा है चिन्नू, मुंह से हाथ निकाल। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जस्ट स्कूल पहुंचा हूं और बच गए हैं 2:20 और मुझे अभी खाना खाना है। हम लोग का लंच का टाइम हो चुका है और इतना सुहाना मौसम अच्छा है ना, मतलब इतना अच्छा नींद आ रहा है ना, मैं फटाफट खा के सो जाऊंगा जैसे लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी ठीक शाम के बजे हैं 7:30 और 7:30 के बजे मालूम है दोस्तों, क्योंकि मैं अभी जस्ट उठा हूँ, मतलब फ्रेश हुआ हूँ, क्योंकि जैसे मैंने खाना खा लिया ना, खाते साथ ही मतलब मैं डेड सो गया ना और अभी भी उठा हूँ। तो लक्ष्मी की मम्मी को मैंने कहा था कॉफ़ी के लिए, वो बोल रही हैं अभी 1 घंटे बाद खाना खाना है, सो अभी कॉफ़ी पीना नहीं है, इसलिए मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, इसलिए मुझे थोड़ा निराश भी लग रहा है। और यहीं पे कचरा फेंक दिए लोग। और यहाँ देखिए दोस्तों, मैं कच्चा केला लेके आया था, मतलब सब्जी बनाने के लिए। देखिए चूहों ने क्या हाल कर दिया इसको, मतलब हमारे घर के चूहे बहुत ही खतरनाक हैं, ये ऊपर पक चुके हैं और इसे खा नहीं सकते कि मतलब बस फेंक सकते हैं। हे उषा, मुझे केला है तो बाहर क्यों रखी रहे वाला, मैं कच्चा कच्चा लाया था कि नहीं, ये तो इतना दिन क्यों रखी थी इसको, पकने तक क्यों रखी थी, तो तुम इसको फ्रिज में कैसे खाएंगे, सब चूहा काटा है, वो चूहा काटा खा सकते हैं ना? नहीं नहीं खाना चाहिए, प्लेग होता है मालूम है तेरे को, ठीक है चूहा को ही खिलाएंगे। वो सब लेना पहले बाहर फेंकना, तूने तो चिन्नू खा लेगा उसको, चिन्नू केला नहीं खाता है, फिर कौन लक्ष्मी खा लेगी, नहीं तो लक्ष्मी ऐसे केला पसंद नहीं करती। तो काम कर, सबको लेके बाहर फेंक देना कल, तू हो गया। इसका हालत देख कितना खतरा कचरा हो गया, देख कितना डेंजर हो गया पूरा। ये ब्रेड क्या दे दूंगा क्या कर, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग का डिनर का टाइम हो चुका है। लक्ष्मी की मम्मी ने यहाँ एक चावल रखा है, एक टमाटर है और एक चटनी बनाई है और ये धनिया पत्ता है और यहाँ पे प्याज पक रहा है, तो देखते हैं ये क्या है। ओहो, यहाँ भी चावल है, मतलब इनका आज फ्राइड राइस का प्लानिंग है,
देखते हैं आज फ्राइड राइस कैसे बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक टाइम टेबल बनाया है हर दिन के लिए, मतलब एक दिन चावल खाएंगे रात को, एक दिन मतलब डिनर का टाइम टेबल है, मतलब एक दिन चावल खाएंगे, एक दिन रोटी खाएंगे, एक दिन उपमा खाएंगे, एक दिन ऐसे फ्राइड राइस खाएंगे, मैगी नूडल्स ऐसे वराइटीज करेंगे, बोले हम प्लानिंग किए हैं। तो डेली हम अलग अलग थोड़ा खाते हैं, ट्रायल कर रहे हैं कैसे लग रहा है। अगर ये कुछ हमारे सेहत में कुछ इफेक्ट हो रहा है ना, तो हम ये खाना बंद कर देंगे। फिलहाल तो भगवान की दया से कुछ नहीं है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये सब थोड़ा चेंजेस होना चाहिए, जैसे लाइफ चेंज होता है ना, वैसे हमें खाने में थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए, क्या बोलते हैं। और फ्रेंड्स, और इधर लक्ष्मी अंधेरे में पढ़ाई कर रही है, आप देखेंगे कैसे अंधेरे में लिखाई चल रहा है इसका। क्लास चल रहा है लक्ष्मी अभी, कौन सा क्लास चल रहा है, हिंदी चल रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं अभी, कल तेरा हिंदी एग्जाम है क्या, कल हिंदी एग्जाम है तेरा, आज एग्जाम कैसे हुआ मैथ का, मैथ एग्जाम कैसे हुआ, अच्छा हुआ, तो इतना उदास क्यों बोल रही, फिर अच्छा हुआ है तो, एग्जाम तो आज अच्छा हुआ बोल रही है, तो अच्छी बात है गाइस। लक्ष्मी ने आज मैथ एग्जाम बहुत अच्छा किया है, बोल तो रही है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा उसने कैसा एग्जाम दिया है। सो देखते हैं उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है, कैसे मार्क आ रहा है, क्या बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज लक्ष्मी की मम्मी ने हमें फ्राइड राइस बनाया है पनीर के साथ। जो दूध होता है ना दोस्तों, वो दूध फट गया था, वो दूध को ही इसमें मिला के कुछ इनोवेशन क्रिएट किए हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को। सो गाइस, मैं इसको खा लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख भी लगी है ऐसे, मतलब क्या करूँ बताइए। सो थोड़ा क्रिएटिव बनाया आज मेरे मिसेस, तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा डिनर तो हो चुका है फिलहाल, और मुझे पूरा अच्छा से वॉकिंग करना है दोस्तों, क्योंकि मैं आज मच्छर से एक्सरसाइज में, मतलब वॉकिंग नहीं हुआ मेरा आज, मैं स्कूल गया, स्कूल से आते साथ खाना खाया, फिर सो गया, उठा, फिर खाना खाया, मतलब आज ऐसे हुआ, तो अच्छा से मतलब खाना थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हुआ लग रहा मुझे। सो मिनिमम एक घंटा तो चलूंगा ही चलूंगा, एनी हाउ, नहीं तो रात को नींद आने वाला नहीं है मेरे को, क्या बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा चलता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, मच्छर बहुत है इधर। सो फ्रेंड्स, देखिए आज तितली मेरे पीछे पड़ी है, कल लक्ष्मी की मम्मी के पीछे पड़ी हुई थी और आज मेरे पीछे पड़ी हुई है, कितना खूबसूरत दिख रही, देख रहे हैं ना, लगता है इसको मुझे पालना पड़ेगा घर में। सो फ्रेंड्स, ये मेरा नया दोस्त है, मिलिए, इसका नाम है तितली रानी, कितना सुंदर लग रही, देख रहे हैं ना, सो ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है ना ये देखने के लिए। इसको मेरे बैच में लगा तुम्हें, सो फ्रेंड्स, कल रात को मैं साइकिल रखना भूल गया था ऐसे, इसको पहले रख देता हूँ करने। सो फ्रेंड्स, आज आपको मेरा वीडियो जरूर अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि हमारे स्कूल के जो मल्टी टैलेंटेड टीचर हैं, जैसे हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल श्री पीताम्बर शर्मा जी और हमारे जो आर्ट टीचर हैं आगमन छुरा, जो इन दोनों ने किस प्रकार से हारमोनियम और ढोल बजाया ना दोस्तों, मेरा दिल पूरा बाग बाग हो गया दोस्तों, मैं बता सकता, क्योंकि मेरी छोटी सी फरमाइश थी एक गाना सुनने की, तो उन्होंने एक गाना नहीं, मुझे 5 से 6 गाने सुनाए, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखिए दोस्तों, जब हम लोग को पढ़ाते रहते हैं, जो अपना टाइम को मतलब पास करना पड़ता है ना, तो हम ऐसे हमारे म्यूजिक रूम में जाते हैं और ऐसे हम लोग गाने
बजाते रहते हैं, जिससे हमारा थोड़ा माइंड रिलैक्सेशन होता है और पीसफुल लगता है। मतलब जब काम होता है हम अपना काम करते हैं और खाली टाइम में थोड़ा मिले तो यही काम करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से विदा लेने का टाइम हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो जो मेरे चैनल में नए नए आए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा, बाय एंड गुड नाइट।